हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में जाकर इस वीक के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को एनालिसिस करेंगे और इसी के साथ साथ अडानी ग्रुप को लेकर भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए होने वाली है। तो इसी के साथ अगर हम फ्राइडे के दिन मार्केट की बात करते हैं तो फ्राइडे के दिन तो मार्केट में बस ऊपर की साइड की मूवमेंट हमें देखने को मिली है। मार्केट की ओपनिंग होती है 70,721 की, जो एक अच्छा गैप अप देता है और वहां पर मार्केट लो बना लेते हैं 70,584 का और फिर वहां से सीधा ऊपर की डायरेक्शन पकड़ता है और सीधा ऊपर की साइड जाता जाता है और मार्केट का हाई बनता है 70,870 का, क्लोजिंग होती है 70,854 की। एक अच्छी क्लोजिंग ये होने वाली है। इसी के साथ अगर हम FIA और DI डाटा की बात करते हैं तो FIA ने 930 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर DI ने 1260 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में फिगर फ्लैट सा है। और इसी के साथ साथ स्टॉक इन फोकस के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के अलावा अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या किसी भी इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ भी ओपन करवाना हो या कोई भी आपकी उसके रिगार्डिंग क्वेरी हो तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर और उसी के साथ साथ हमारा गूगल फॉर्म का लिंक भी आपको मिल जाएगा। आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है आप हमसे वैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम मार्केट के रिलेटेड थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहले तो अगर हम अडानी ग्रुप को लेकर बात करते हैं तो देखो अब अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर में हालांकि हम जहां पर चार्ट में जाकर डिस्कस करेंगे अब एकदम से मार्केट में सीधा नीचे को आता है और फिर से एक अच्छी मूव ऊपर को दे जाता है। ऑब्वियसली हमें ऐसी मूव से बचना होता है, हमें वहां पर काम करना ही नहीं है, लेकिन हम सीधा चार्ट में जाकर ही डिस्कस करते हैं तभी हम वहां पर क्लैरिटी के साथ समझ पाएंगे चीजों को। अब ना हम एक अडानी एंटरप्राइजेस स्टॉक को चार्ट पर देखते हैं। सबसे पहले तो मैं यहां पर एक बात क्लियर कर देता हूं, हमें जहां पर सिर्फ एजुकेशन पर्पस इस चार्ट को स्टडी कर रहा हूं बिकॉज ना तो यहां पर हमारी टेक्निकल बेसिस पे एंट्री हो रही है फिलहाल ना ही फंडामेंटल बेसिस पे। रीजन बता दो सिंपल सा, क्योंकि जहां पर ना स्पेशली अडानी पूरे ग्रुप में ही सेंटीमेंट्स पर काम हो रहा है और जब मार्केट में टेक्निकल फंडामेंटल से हटके सेंटीमेंट्स पर काम होता है ना तो वहां पर हमें थोड़ा वेटेड वॉच करना पड़ता है, बाहर बैठकर ही काम करना पड़ता है। अब हुआ क्या था फ्राइडे के दिन कि स्टॉक टूटता है 30% तक का सीधा नीचे को और वहां से ऊपर को एक अच्छा मूव खींच के पूरा का पूरा पॉजिटिव में जाकर बंद हो जाता है। अब जिन्होंने यहां पर अप्रोक्स जब जिसने 1000 के करीब का लो बना था तो वहां पर जो जिन्होंने एंट्री बनाई उनके तो हो गए मजे और जो ऑलरेडी पहले थे वो फिर से टेंशन में है। लेकिन ऐसे में हमें एक मौका मिला था कि अगर हमने वहां पर एंट्री बना ली होती काश मैं भी 1000 पर ले पाता तो मुझे भी एकदम से अच्छा खासा 50% के ऊपर का प्रॉफिट हो चुका होता। ये काश ना बहुत गंदी चीज है, हमें एक दिन में अमीर नहीं बनना होता, हमें एक दिन में मोटा पैसा नहीं कमाना, हमें प्योरली टेक्निकल और फंडामेंटल बेसिस पर हमारे स्टॉक्स के लेवल पर और एजुकेशन पर्पस पर काम करना है। अगर हम जहां पर गैम्बलिंग करने लगेंगे तो हमें वहां पर दिक्कत देखने को मिलेगी। हो सकता है एक बार आप गैम्बलिंग में जीत भी जाओ लेकिन जिस दिन आप गैम्बलिंग में हारोगे ना तो वहां पर आपका सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इसलिए अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं, मैं मार्केट खोलता हूं, सीरियसली बताता हूं, मैं मार्केट खोलता हूं दिन में। मैंने ना अलग से अडानी एंटरप्राइज की वहां पे साइड पे ना लिस्ट बना रखी है जहां पर सिर्फ अडानी ग्रुप के स्टॉक्स टैग है, मैं उसको खोलता हूं, उसे देखता हूं, स्माइल करता हूं, हंसता हूं और मार्केट को बंद कर देता हूं। मतलब कि मैं सिर्फ मजे लेने के लिए वहां पर अडानी ग्रुप के, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि जो लोग अडानी शेयर्स में फंसे हुए हैं मैं उनके का मेरा उनके खिलाफ कुछ ऐसा है कि मैं उनको देख कर हंसता हूं, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये जस्ट मैं आप लोगों के साथ सिंपल एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए डिस्कस कर रहा हूं। वहां पर सिर्फ एक बार देखते कि हाँ देखो जब भी कोई ऐसा करेक्शन आता है किसी भी ग्रुप में या स्पेशली किसी ऐसी या फिर स्पेशली किसी ऐसी इंडस्ट्री में तो हमें वहां पर कितनी बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है और हमें स्टॉप लॉस की वैल्यू की रिस्पेक्ट को मानना ही पड़ेगा। लेकिन एनीवे देखो अगर मैं फ्राइडे के दिन बात करूं मैंने कुछ नहीं काम किया बिकॉज करना ही नहीं है ना। जब तक हमारे लेवल्स की तो बात छोड़ो, जब मार्केट में सेंटीमेंट्स चल रहे हो ना तब हमें वेट करना पड़ेगा उन सेंटीमेंट्स को हटने का। और वैसे भी अडानी के जो 2-3 स्टॉक्स तो ASM लिस्ट में आ ही चुके हैं। अब ASM लिस्ट में आ चुके हैं तो जहां पर मार्जिन रिलेटेड इंट्राडे ट्रेडिंग और उसी के साथ साथ F&O में काम इसमें नहीं होने वाला है,
तो वहां पर हमें इसी के साथ साथ जहां पर इसमें वॉल्यूम भी अब हमें कम देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर मैं इसमें बात भी करूँ ना कि अब हम इसमें करें क्या, देखो जो लोग ऊपर के लेवल पर फंसे हुए हैं स्पेशली ऐसे लेवल्स पर, उनका तो हम कुछ कर नहीं सकते, और जिन्होंने स्टॉप लॉस लिया है वो एक अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अगर मैं टेक्निकल बेसिस पे बात करूँ तो यहाँ पर ना हमारे पास एक रेजिस्टेंस निकल के आता है। मुझे नहीं पता ये मार्केट में काम करेगा या नहीं करेगा, बिकॉज सिंपल सी फंडामेंटल है, क्योंकि जहां पर सेंटीमेंट्स काम ही नहीं कर रहे। जो ये रेंज थी जिसको ये निकाल के ना ऊपर निकला था काफी टाइम से, अप्रोक्स 1900 के आसपास की आप कह सकते हो, 1900 से आप 2000 तक की ये रेंज मान लो। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस काम करेंगे, बिकॉज यहाँ पर सेंटीमेंट चल रहे हैं, तो वहां पर मैं इन चीजों को अवॉइड करता हूँ। क्योंकि अब ना एक और मेजर दिक्कत आ रही है कि जहां पर ना पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो चुकी है अडानी ग्रुप में, और जहां पर जब पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाए तो वहां पर हमें ज्यादा बड़ी दिक्कतें देखने को मिलती है। अब वो क्या करते हैं, वो चलता रहेगा, तो बेटर है स्टे अवे। आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, इसलिए हमें थोड़ा कंट्रोल होकर ही काम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं बात करूं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक दो म्यूचुअल फंड को अगर मैं छोड़ दूं, किसी भी म्यूचुअल फंड का इतना बड़ा एक्सपोजर है ही नहीं अडानी ग्रुप में। वहां पर तो हमें दिक्कत लेने की बात ही नहीं है, बिकॉज हमारे पास ना सबसे बड़ा मेजर पॉइंट जहां पर आ रहा है, एक्चुअली इस अडानी ग्रुप में जो जो सिनेरियो चल रहा है ना, जहां पर दो सिनेरियो सामने आ रहे हैं एज अ रिजल्ट। एक तो सबसे पहले जो लोग मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में जानते ही नहीं है, जो जिनको पसंद ही नहीं है वो आते ही नहीं है, एक तो वो लोग भी थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगे हैं। ये अच्छी बात है कि वो मार्केट में इंटरेस्ट ले रहे हैं, चाहे वो मजे के लिए ले रहे हैं, चाहे वो कैसे भी ले रहे हो। और दूसरा इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पॉइंट भी हमारे सामने आ रहा है, वो कौन सा आ रहा है कि एज जो अगर हम बात करते हैं ट्रेडिंग वगैरह को तो हम छोड़ देते हैं, जो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टिंग होती है जिसे हम म्यूचुअल फंड के थ्रू जहां पर इन्वेस्टिंग करते हैं, तो वहां पर भी हमें काफी दिक्कतें देखने को मिल रही है। लोगों को वहां पे एक डर हो रहा है, तो उसी डर के लिए ही कह रहा हूँ, क्योंकि एक दो म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात ना करूं, बट ओवरऑल अगर हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में देखते तो अडानी ग्रुप में इतना बड़ा एक्सपोजर है ही नहीं है किसी म्यूचुअल फंड का। एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और उसी के साथ साथ अगर हम इन्वेस्टर भी है म्यूचुअल फंड में, तो हमें वहां पर दिक्कत लेने की जरूरत ही नहीं है। बिकॉज अगर वहां पर किसी स्टॉक में एक अच्छा खासा वैल्यूएशन काफी ज्यादा हाई है और वो किसी म्यूचुअल फंड की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग वहां पर लागू नहीं होता कि ये हमारी स्ट्रेटेजी के बाहर है, हमारा जो रिस्क फैक्टर है उस रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए, तो वो उनके पोर्टफोलियो में नहीं है, तो वहां पर हमें घबराने की बात नहीं है। इट्स बट ऑब्वियस कि हमें जहां पर टेंशन होती है एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर भी हमें जहां पर टेंशन होती है, और अगर मैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर बात करूं तो जहां पर मुझे एक दो फोन ऐसे आए हैं, तो इसीलिए वहां पर भी मैंने उन लोगों को यही बात समझाई है कि हमें जहां पर दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है। जब हमारा लॉन्ग पीरियड काफी बड़ा है फिर तो हमें वैसे ही टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब अडानी ग्रुप में आने वाले टाइम में क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो टाइम ही बताएगा कौन सही है कौन गलत है। लेकिन एक बात तो है कि अब अडानी साहब चारों तरफ से एक बार के लिए फंसे हुए हैं, और ऐसा वक्त हर किसी के साथ आता ही आता है, चाहे वो अच्छा वक्त हो चाहे बुरा वक्त हो। वो कहते हैं ना कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन देखना जाए कि ये वक्त अब कैसे रंग दिखाकर गुजरता है। एनीवे, अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी डिटेल्ड में स्टडी करते हैं वीकली रिव्यू के लिए, तो वहां पर भी हम जाकर डिस्कस करते हैं। तो जहां पर हमने निफ्टी का डेली कैंडल चार्ट बोला है, ये लास्ट वीक पर हमारी जो बात हुई थी ना, एक बार लास्ट वीक की वीडियो चेकआउट कीजिएगा जाकर, कि मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ है और उसके जैसे जैसे रेंज तोड़ता है हमें जहां पे एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है। ये लास्ट से लास्ट वीक की बात हुई थी, और लास्ट वीक हमारी ये बात हुई थी कि मार्केट को अगर बाउंस करना है तो यही वो रेंज आ जाती है 17,400 से 500 की रेंज। आप लोगों के लिए अभी भी वहां पर लाइनें बनी हुई है, एक बार चेक कीजिएगा कि अगर मार्केट को बाउंस होना है तो यहीं से होना पड़ेगा। मार्केट डाउन ट्रेंड में आ चुका है, लेकिन एक बार हमारे रिस्क रिवार्ड रेशियो के फेवर में हमारे पास एक अच्छा जोन आ जाता है। अब आप खुद देख सकते हो कि जैसी मार्केट खुलती है और जहां पर हमें एक बार एंट्री देती है और जहां से एक अच्छा बाउंस देता है, और हमारे रिस्क रिवार्ड रेशियो के फेवर में खोने को 1 रुपया मिलने को 3 रुपए वो आपको हो चुका है। उसका जहां पर फिर से इसने दूसरी बार हमें मौका दिया और फिर से हमें जहां पर एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला। ये तो थी हमारे पिछले वीक की बात, यही बात हुई थी। अब अगर मैं इस वीक की भी बात करता हूँ, देखो मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में है, लेकिन
अब की बार जो ये स्पोर्ट है ना 70,400 से 500 एक बार के लिए ना, ये स्पोर्ट वीक हो चुकी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है। हो सकता है कि जहां पर ये एक बार और स्पोर्ट लेके बाउंस करने की कोशिश करे अगर मार्केट दोबारा से इस रेंज में देखने को मिलती है, लेकिन अगर जहां पर चांसेस ये भी होते कि इस बार ये इस लेवल को तोड़ जाए और वहां पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, अगर हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है ना तो हमें स्टॉप लॉस की भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। बिकॉज अगर हमें जहां पर दो बार अच्छा प्रॉफिट हो चुका है ना, अगर तीसरी बार हमने जहां पर स्टॉप लॉस ना लिया तो हो सकता है कि वो दोनों बार का हमारा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन अगर हम जहां पर बात करते हैं, देखो 17,000 जहां से 200-100 तक आता है तो ठीक है, लेकिन जो हमारे पास अब मेजर स्पोर्ट का काम करेगी पुराने लेवल्स की, मैं अगर मैं आपको बात करके दिखाता हूँ तो वो निकल के आते हैं जहां पे, जहां से इसने पुराना कंसोलिडेशन एरिया को निकाला था अप्रोक्स 16, ये यहां पर इसने सपोर्ट पकड़ी थी 16,800 के पास की ये रेंज आ जाती है। 750 से 800 के पास की बात कर सकते हैं। आपको याद भी होगा कि इस रेंज में और भी मार्केट ने हमें को कितना परेशान किया था। अब ये दूसरी हमारे पास मेजर सपोर्ट आती है, अगर ये टूटती है तो हमारे पास एक अच्छा एरिया होगा जहां पर काम करने का, लेकिन अगर जहां से टूट कर ऊपर को आते हैं जब तक ये हमारी इस लेवल को क्रॉस नहीं करता तब तक मैं एंट्री नहीं बनाऊंगा। अगर हम बात करते हैं जो ये हमारी 18,300 की रेंज है, जो 18,300 का लेवल है वो तो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है ही है, बिकॉज इसके ऊपर तो मार्केट में हमें स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी और मार्केट नई रैली के लिए तैयार होएगी। लेकिन अब अगर मैं थोड़ा और भी क्लियरिटी करूँ तो इस लेवल की जगह 18,300 की जगह अगर तो मैं 18,000 के लेवल को लेके चलूं मूविंग एवरेज के बेसिस पर, तो ये भी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट लेवल आ जाएगा जहां पर इसकी 50 की मूविंग एवरेज है। जब तक ये इसके ऊपर की हमें क्लोजिंग नहीं देता तब तक के लिए भी हमें थोड़ी अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल रखना पड़ेगा एटलीस्ट, बट मार्केट में अप ट्रेंड आने के बाद ही हमें यहाँ पर मार्केट में अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। तो सिंपल सा ही व्यू है, काम करना है कंट्रोल्ड क्वांटिटी के साथ करना है और छोटे स्टॉप लॉस और छोटे टारगेट के लिए करना है। हमारे यहाँ पर टारगेट मिल चुके थे, हमें बुक करना जरूरी हो जाता है, एटलीस्ट ट्रेलिंग जरूरी हो जाती है, और जहां पर भी हमें अच्छा दोनों दिन प्रॉफिट हो चुका है पिछले भी दो बार। अब अगर हम इसके बाद बैंक निफ्टी की भी बात करते हैं, देखो बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है, लेकिन हाँ अडानी न्यूज की वजह से बैंक निफ्टी हमें प्रेशर में देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इतना मेजर घबराने की बात नहीं है बैंक निफ्टी में कि अगर बाय चांस अडानी ग्रुप फेल होता है तो वहां पर पूरा का पूरा बैंक निफ्टी खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मानते हैं कि SBI वगैरह ने अडानी साहब को एक अच्छा एक्सपोजर दे रखा है, लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं उनका टोटल डेट से जो उन्होंने दे रखा है तो वो काफी कम आ जाता है, तो वहां पर दिक्कत लेने की जरूरत नहीं। और प्राइवेट बैंक ने तो डेट काफी ही ज्यादा कम दे रखा है, उन्होंने तो अप्रोक्स 1.5% तक का ही समथिंग का दे रखा है अपने ओवरऑल डेट का प्राइवेट सेक्टर ने। इसी के साथ अगर हम इसके चार्ट की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर भी हमारी लेवल हुई थी और लाइनें लगी हुई हैं और वहीं से ही मार्केट में बाउंस आ रहा है। अब 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे हम नहीं कह सकते, और वहीं से ही मार्केट बैंक निफ्टी भी दो बार खींच के ऊपर को लेके गया है और एक अच्छा खासा। बजट के दिन तो देखो वॉलेटिलिटी मिलनी ही मिलनी थी, इसलिए हमें बजट के दिन तो काम करना ही नहीं था, जो तो हमारी क्लियर कट बात हुई थी। लेकिन जो हमारे पास रिस्क रिवार्ड रेशियो के फेवर में जो एरिया आया है वहां पर हमें बार बार एंट्री मिली है और एक अच्छा मूव मिला है। अब क्या नेक्स्ट टाइम ये स्पोर्ट काम करेगी? कर सकती है और नहीं भी कर सकती, बिकॉज ऑलरेडी ये एक दो तीन बार हम कह सकते हैं कि जहां पर स्पोर्ट पकड़ चुका है, अगली बार पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा ये मार्केट बताएगा, बट पर्सनली अब की बार मैं इस पे काम नहीं करने वाला हूँ। अगर मैं बात करूँ, अगर हम इसमें रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि अगर हम बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो देखो वो आएगी हमें 41,700 के ऊपर, लेकिन अगर हम डिफेंसिव होकर चलते हैं ना तो ये जो हाई बना था यहाँ पे तो इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाएगा तब तक के लिए हम थोड़ा मार्केट में कंट्रोल करके या स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं, जो अप्रोक्स हो जाता है 42,000 के लेवल का, जहां पर इसके ऊपर ही हम एक नई एंट्री के लिए मार्केट में देखेंगे। फिलहाल के लिए मैं इन दोनों लाइनों को हटा देता हूँ क्योंकि इनका फिलहाल कोई मतलब रह ही नहीं चुका है हमारे लिए। तो ये दोनों चीजें हमारे पास हो चुकी है, बैंक निफ्टी भी और उसी के साथ साथ निफ्टी भी। आई होप कि यहाँ पर भी आप लोगों को काफी अलग एजुकेशन मिली होगी। अगर फिर भी मैं इंट्राडे पर्पस के लिए लेवल्स की बात करता हूँ निफ्टी के लिए, तो हमारे पास इमीडिएट रेजिस्टेंस निकल के आता है जो एक मेजर रेजिस्टेंस रहने वाला है 18,000 का, और उसी के साथ साथ
18,100 के ऊपर हमें मार्केट में थोड़ी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, बिकॉज 18,000 इज एग्जैक्ट लेवल, बट 100 पॉइंट ऊपर नीचे हमें थोड़ा बहुत गैप मार्जिन लेके चलना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ब्रॉडर मार्केट फोकस में रहेगा, बिकॉज अगर मार्केट को अब ऊपर की डायरेक्शन में जाना है तो ब्रॉडर मार्केट और बैंक निफ्टी को इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ अगर मैं मेजर सपोर्ट की बात करता हूँ तो वो निकल के आती है 70,650 की। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।